विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा आठ के अंदर हिंदी में छठा चैप्टर भरत, जिसकी रचना राजा लक्ष्मण सिंह ने की है, इस इकाई का अभ्यास करेंगे। तो कवि के लेखक के बारे में पहले परिचय दे दें। इनका जन्म आगरा के अंदर 1926 के अंदर हुआ था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला अरबी भाषा को अच्छी तरह जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है और इन्हें हिंदी अनुवाद पर पुरस्कार भी दिया गया था। इस एकांकी के अंदर ऐतिहासिक स्टोरी को लिया गया है, जिसमें कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद लेखक ने किया है। प्रस्तुत पाठ उसी का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला रह रही है और वहां पर उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है भरत, और वो आश्रम के अंदर वो सावक के बच्चे के साथ खेल रहा है। उसी समय आश्रम में रहने वाली स्त्री पहले वो आती है और उस बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। उसी समय राजा दुष्यंत जो है यह दृश्य एक पेड़ के पीछे छुपे हुए देख रहे हैं। बालक के प्रति उनके सहज आकर्षण हो जाता है और उनसे रहा नहीं गया और वो बालक को बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसे गोद में उठाकर करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। और उसी समय दोनों तपस्विनियां जो है वह उनको बताती है कि यह आप ही का पुत्र है। और इस प्रकार यह जानकर राजा दुष्यंत बहुत ही खुशी से झूम उठते हैं। तो अब इस एकांकी जो भरत है उसके बारे में हम आगे पुस्तक में देखेंगे। इसके मुख्य पात्र है बालक भरत, तपस्वी स्त्री पहली और दूसरी है राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व के साथ। इसके साथ आश्रम का वातावरण यहाँ पे दिखाई गया है और हम इसके अंदर अभ्यास करेंगे। पहले प्रश्न में बताया गया है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से देख रहे हैं। ये बच्चा मानव को सावक बच्चे को घसीट कर ले आ रहा है और वो तपस्या उसको रोकती है और दुष्यंत जो है वो उसे देख रहा है। इस घटना बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। और बालक भी इतना जिद्दी है, उस सिंह के बच्चे को बोले, सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूं। तपस्विनी, पहली तपस्विनी है वो कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम ऋषियों ने समन रखा है सो ठीक ही है, पर वो कहती है तेरा नाम ऋषि ने समन रखा है वो ठीक ही है। तो बालक का नाम उनकी बातें सुनकर स्वयं कह रहा है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ता जा रहा है? क्या कारण है कि इस बालक के प्रति मेरा जो प्रेम है, मेरा स्नेह है, ये वो ज्यादा ही ज्यादा बढ़ रहा है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह भी तुझ पर दौड़ेगी, उसकी मां तुम्हारे पर हमला करेगी। बालक मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा भी डर है, मुंह चिढ़ाता है, मुझे सिंहनी का कोई डर नहीं है, ऐसा बताता है। दुष्यंत आश्चर्य कैसे, यह बालक अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। और इस प्रकार पहले दृश्य में देखते हैं
है, पर कहती है कि ये बालक तू यह करना छोड़ दे, तू ऐसा मत कर, सिंह के बच्चों को छोड़ दे। पर बच्चा भी बहुत ही जिद्दी है, वो उसके दांत गिनना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, और इस घटनाक्रम को स्वयं गुस्से से देख रहा है और कहता है कि बच्चा बहुत ही तेजस्वी वीर का पुत्र लग रहा है। पहले तपस्वी कहते हैं, ये प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी खेलने के लिए। बालक कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, पहले मुझे खिलौना दो तो मैं सोचूं आगे क्या करूं। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं वो बोल रहा है, आह इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण उसके हाथ में देख रहे हैं वो, उसकी उंगलियों पर ऐसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर दे ऐसी दिखाई देती है। तो राजा दुष्यंत उस बच्चे के को देखकर, उसके हाथ को देखकर कहते हैं कि अब बालक तो चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण इस बालक में दिखाई देते हैं। उसके आगे देखिए, और दूसरी तपस्वी जो है वो कहती है, सखी सुनता यह बातों से न मानेगा। देखो वो कहती है ये बातों से नहीं मानेगा, मैं जा तू मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे तू लेकर आ। पहले तपस्वी का नाम क्या है याद रखना, पहली तपस्वी का नाम क्या है, क्या नाम उसका, उसका नाम है सुमता। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने दो प्रश्न देखे, बालक का नाम, ऋषि ने क्या रखा था, सर्वदमन, पहली तपस्विनी का नाम क्या है, सुव्रता। उसके बाद देखिए आगे, पहली तपस्विनी कहते हैं मैं अभी लिए आती हूं और जाती हूं, बालक तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे सब एक साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्वी की ओर देखकर वो हंसता है। दुष्यंत आप ही आओ, अपने अंदर वो बोला है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन ललचाता है, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंग की धुरी से अपनी गोद मेटी करते हैं और पुत्रों के अकारण हंसी से उड़कर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और पुतले को जन्म देते हैं। यानी कि वो उसका प्रेम उस बालक के प्रति, पुत्र के प्रति जिस प्रकार पिता का स्नेह होता है, उसी प्रकार का स्नेह दुष्यंत को इस बालक के प्रति हो रहा है। दूसरी तपस्वी कहती है कि अरे ठीक, तू मेरी बात नहीं धरता, तो जितनी बालक तू मेरी बात को नहीं समझता, इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहता है, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे पुत्र की लाज जाती है, यह कोई अच्छी बात नहीं, बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। इस प्रकार स्वयं दुष्यंत वहां पर दूसरी तपस्विनी के बुलाने पर वहां पे आते हैं और उस बच्चे को, सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो हम आज यहां तक रहते रखते हैं, जय स्वामीनारायण। और हर आपको जो पढ़ाया है वो आप शांति से इसको तैयार करना है और इसके आगे का जो बाकी है पेज नंबर 48 और 49 ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा बात हम दूसरे लेक्चर में लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।